खंडेलवाल से लूट के मामले में पुलिस का खुलासा हुआ है। एक बाल अपचारी और दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 70,000 नगद और एक देसी कट्टा, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, आईफोन सहित कुल 1,42,540 रुपए का मशूका जब्त किया गया है। अनुज खंडेलवाल से 23 मई को अपने पंप से घर लौटते समय वरला रोड ब्रिज के पास लूट की घटना हुई। जिस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपी चेतन डावर निवासी जामली, राकेश जाधव निवासी जामली और एक बाल आपचारी को पकड़ा है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लूट के आरोपी गोई बाकी से कलालदा जाने वाले कच्चे रास्ते पर पड़ने वाली गिट्टी खदान के पास एकत्रित हुए हैं। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर खदान की घाटी की आड़ में बातचीत कर रहे आरोपियों को बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया। आरोपियों से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं मामले में एक आरोपी दिलीप जाधव पिता रुमाल सिंह नवलपुरा अभी फरार है। आरोपी की तलाश की जा रही है। इसमें कुल 4 आरोपी निकल के आए हैं जिन्होंने पूरी घटना की प्लानिंग की और इसको अंजाम दिया। इसमें से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, एक आरोपी की गिरफ्तारी अभी शेष है। इसमें से 2 आरोपी जो हैं चेतन और राकेश, एक आरोपी जिसकी उम्र 18 साल से कम है और एक अन्य आरोपी दिलीप जो कि अभी फरार है। इनसे हमने कुल लगभग 1,00,000 रुपये की लूट हुई थी, उसमें से 70,000 रुपये नकदी बरामद हो चुका है। इसके अलावा हमने एक मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई थी वो पुलिस ने जब्त की है, एक देसी कट्टा और जो डंडे प्रयुक्त किए गए थे घटना में वो भी इस्तेमाल किए हैं पुलिस ने। इसके अलावा इनके पास से मोबाइल फ़ोन और कुछ अन्य सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। और जैसा कि इसमें जो सामग्री मिली है, हथियार मिले हैं, उसके आधार पर आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं का भी इजाफा किया गया है। प्रकरण में हमारी टीम ने एक बहुत ही अच्छा काम करते हुए 3-4 दिन के अंदर इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा, इसको पतरसी करने में सफलता हासिल की है 1 सप्ताह के भीतर, और इसके लिए हम टीम को पुरस्कृत भी करेंगे। सर, ये किस तरीके से, क्या कोई रेकी कर रहे थे, कैसे इन्होंने? ये निश्चित तौर पर जो पूछताछ में इन्होंने बताया कि लगभग 15 दिन से ये लगातार इसमें प्लानिंग कर रहे थे। कई बार तो जो ये व्यक्ति था जिसको टारगेट कर रहे थे, ये कार से निकला तो ये कर नहीं पाए, कई बार किसी अन्य रास्ते से गया तो इनका प्लान सफल नहीं हुआ। उस दिन इनके साथ ऐसी चीज़ हुई कि ये मोटरसाइकिल पे अकेला निकला और उसको अकेला देख के इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों के पूर्व के रिकॉर्ड अभी हमारे संज्ञान में नहीं आए हैं, लेकिन जैसा कि हम अन्य जिलों से और अन्य क्षेत्रों से भी पता कर रहे हैं। सर, किन कारणों के पीछे, मतलब इन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, क्या चाहते हैं? देखिए, ये सभी जैसा कि आप देख सकते हैं नई उम्र के लड़के हैं और इनको वही पैसे की आवश्यकता जो आज की चकाचौंध भरी जिंदगी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और अन्य चीज़ें, आसानी से पैसे की तलाश, पैसा मिल जाए, उसके लिए अपराध का सहारा इन्होंने लिया और हमारी टीम ने इनको तत्काल ही गिरफ्तार किया है।